अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रॉन्स की रेसिपी। फ्राई प्रॉन्स क्रिस्पी बहुत ही मज़े के, बहुत ही अच्छे टेस्टी बनेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉन्स को किस तरह क्लीन किया जाता है। आज मैं रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। उसके लिए मुझे चाहिए, मैंने 2 चम्मच लिए थे कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच लिया था मैंने मैदा। और उसके बाद मैं इसमें जिंजर पाउडर ऐड कर रही हूँ, और जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो मैंने ऐड किया है। और वो इसमें मैंने नमक हसब जायका लिया था, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की थी मैंने इसमें। ठीक है, इसमें मैंने ये ऐड कर दिया था और इसको मैं अब साइड पे कर दूँगी। अब मैं प्रॉन्स के अंदर मसाले ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होंगे प्रॉन्स के अंदर, लेकिन बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं और बड़े तो बहुत ही शौक से खाते हैं। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था, सॉल्ट आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने भी इसमें 1/2 चम्मच ऐड किया था, क्योंकि मैं प्रॉन्स में भी ऐड करूँगी मसाले कुछ। अच्छा, ये मैंने तैयार कर लिया था मिक्सचर, इसमें मैं इस कोटिंग करूँगी प्रॉन्स की। और अब मैं जो है, अच्छा ये जो है कॉर्नफ्लोर, मैदा, इसकी कोटिंग भी होगी, अंडे की भी होगी, ठीक है ना। और उसकी ब्रेड क्रम्स भी, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। इसमें अब मैं जो प्रॉन्स के अंदर है, जो पाकिस्तान में झींगे भी बोलते हैं, प्रॉन्स भी कहते हैं, लेमन ऐड किया है मैंने इसमें। लेमन मैंने 1/2 लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया है। और लाल मिर्च मैंने, रेड चिली फ्लेक्स लिए थे मैंने, और वो लिए थे मैंने 1/2 चम्मच। अच्छा, इसमें भी जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर ऐड होगा। ये रेड चिली पाउडर आप देख लें कितना मैंने लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैं इसमें ऐड करूँगी, और ये जिंजर गार्लिक पाउडर है वो मैं ऐड करूँगी। जिंजर गार्लिक पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत मज़े का आता है। अच्छा, आप जो जिंजर को है सुखा के उसका पाउडर भी आप घर में बना सकते हैं, वो भी सेम टेस्ट होता है। और अगर बाज़ार से आप लोग रेडीमेड लेंगे तो वो भी सेम टेस्ट होता है। अब मैं इसको मैरिनेट करके 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दूँगी, फिर उसके बाद में कोटिंग करूँगी और फ्राई करूँगी। आप लोग देखते जाइएगा कोटिंग। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि कॉर्नफ्लोर, मैदा, और उसमें मैंने जो सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए आप लोग देख लीजिएगा, और ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग होगी, तो बहुत ही मज़े के, बहुत यमी बनेंगे। यहाँ पर मैं पहले कॉर्नफ्लोर में डिप करूँगी, अच्छे से लगाऊँगी, और अब अंडे में डिप करना है आपने, और उसके बाद आप ये ब्रेड क्रम्स जो हैं इसको आप कोटिंग करके, और इसी तरह 1 बाय 1 आप करते जाइएगा, और फिर ट्राई कर लीजिएगा। बहुत मज़े के, बहुत ही टेस्टी बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, एक तरीका ये भी है कि आप लोग जो कॉर्नफ्लोर में जो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें जो ऐड किए थे, आप झींगे प्रॉन्स के अंदर झींगों में आप इसको डायरेक्ट मिक्स कर लें, और फिर अंडे की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं मेथड, और अलग-अलग से सेपरेट भी, अगर आपको जैसे कॉर्नफ्लोर में कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करनी है, सॉरी, और फिर अंडे में डिप करना है, और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और जैसे मैंने जो प्रॉन्स को जो मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, उसमें आपको डायरेक्ट कॉर्नफ्लोर और ये चीज़ें नहीं डालनी है। जब आपको अंडे की कोटिंग करनी हो, फ्राई करना, उस टाइम पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, जो मैंने उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो आप ऐड करके, और फिर अंडे और ब्रेड क्रम्स भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ, आप देखिए गोल्डन फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, इसको पहले हमने ऑयल को तेज़ गर्म करके फिर हमने चूल्हे को हल्के कर देना है, क्योंकि ये जल ना जाए, जलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर।
तो आप लोग एहतियात से इसको गोल्डन ब्राउन करिएगा, बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सही, नमक वो